आप सभी का स्वागत है सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के डाइस चैप्टर को। मोस्टली एग्ज़ाम में डाइस से जो क्वेश्चन आती है वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप होता है क्लोज डाइस और दूसरा टाइप होता है ओपन डाइस। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज डाइस को। तो देखिए, क्लोज डाइस बेसिकली दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है मानक पासा और दूसरा टाइप होता है साधारण पासा। अब क्लोज डाइस क्या होता है? क्लोज डाइस उस पासा को हम बोलते हैं जिसमें हमें केवल तीन फलक दिखाई दे, यानी बंद पासा। तो चलिए पहले समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो देखिए, स्टैंडर्ड डाइस हम उस डाइस को बोलते हैं जिसमें जो भी तीन फलक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, किन्हीं भी पासा का जो हमें तीन फलक दिखाई दे रहे हैं, उसमें विपरीत फलक का योग सात होना जरूरी है, और जो फलक हमें दिखाई दे रहा है उसके किसी भी फलक दो फलक का योग सात नहीं होता है। जैसे 5 और 1 का योग कितना होगा? 6। 5 और 3 का क्या होगा? 8। इसलिए ये क्या है अपने पास? एक मानक पासा है। मानक पासा है तो मानक पासा के विपरीत फलक का योग क्या होता है? 7। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 2। 1 का अपोजिट क्या होगा? 6। 3 का अपोजिट होगा 4। चलिए अब हम समझते हैं जनरल डाइस को। जनरल डाइस क्या होता है? साधारण पासा। तो जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस का तो अपोजिट है। इसमें क्या होता है? दिखाई जो तीन फलक दे रही है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 1, 2 और 3 पासा लिए, तीनों अलग अलग पासा है। पहला पासा में है 2, 3, 4 और दूसरे में है 5, 2, 1 और तीसरे में है 4, 6, 1। तो देखिए पहले समझते हैं, यहाँ पे पहले पासा में 2, 4, 3। तो देखो इसको ध्यान से देखिएगा, दो एडजेसेंट का योग कितना है? 7। यानी कि 4 और 3 का योग कितना हो गया? 7। इसमें क्या है, 5 और 2 का भी कितना हो रहा है? 7। 6 और 1 का भी क्या हो रहा है? 7। अगर ऐसा पासा जिसमें दिखाई देने वाले किन्हीं दो फलक का योग अगर 7 हो, एडजेसेंट का योग कितना हो? 7 हो, तो वो पासा समान पासा कहलाता है। फिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो फिर हम कैसे बताएंगे कि इसके विपरीत क्या है? तो देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए क्लियर कर रखा है, जैसे 2 का अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट जनरल डाइस में हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि उसके विपरीत तो वो संख्या होगी जो यहाँ पे विजिबल ना हो। तो 2 के अपोजिट में क्या होगा? 1, 5, 6। 3 के अपोजिट क्या होगा? 1, 5, 6। 4 के अपोजिट भी क्या होगा? 1, 5, 6। ये नंबर आगे पीछे आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5, 2। दूसरा पासा आते हैं, दूसरा पासा है अपने पास 5, 2, 1। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो क्या नहीं दिख रहा है? 3, 4, 6। 1 के लिए भी क्या दिख रहा है? 3, 4, 6। 2 के लिए भी 3, 4, 6। एज सून एज 3rd में भी यही है। अगर मैं बोलूँ 1 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है? 2, 3, 5, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5। तो आई होप आपको पासा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे तीन पासे की आकृतियाँ दी गई है। इसमें आपको बताना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कौन सा पासा मानक पासा है। तो चलिए पहले वाले डाइस को देखते हैं, 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो ये तो जनरल डाइस हो गया, सामान पासा। 3, 4 ये भी क्या हो गया? जनरल डाइस। यहाँ पे देखते हैं 3, 2, 5, 1। तो यानी कि आंसर आपका आई होप क्या होगा? सी। तो आंसर आपका होगा 3 इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये आप देखिए, थोड़ा सोचिए क्या होगा अगर तीन पासा यहाँ भी दी गई है। अगर इसको आप देखते हो क्या हो सकता है, देखिए 5, 2 कितना हो गया? 7। तो ये भी जनरल हो गया। 4, 3, 7 ये भी जनरल हो गया। 5, 4, 3, 7 इसमें भी है, ये भी जनरल हो गया। तो ये तीनों ही जनरल है। सो इसमें हम नहीं बता सकते हैं कौन सा पासा मानक पासा है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन है आपके पास, सॉरी
क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए बी सी और डी चार ऑप्शन दी गई है, इसमें बताना है कौन सा मानक भाषा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा चाह रहा हूँ कि सामान्य भाषा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऐसा भाषा, देखिए ओनली नंबर कैन बी यूज, केवल संख्या का उपयोग होता है मानक भाषा ही क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस भाषा को ध्यान से देखिए, ए बी सी डी में इसमें भी सिंबल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और अगर इस डी ऑप्शन को देखते हैं 4 1 2, तो ये आपका केस क्या होगा, सामान्य भाषा नहीं है, ये आपका क्या है, मानक भाषा है, क्योंकि किन्हीं दो फलक का योग, टू एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है। सो ऑप्शन विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस मुझे बताना है। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ रूल बता दे रहा हूँ। पासा के 3 रूल होते हैं, तो यहाँ पे रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट बोलता है अगर किसी पासा को 2 बार फेंका जाए और उसके एक सतह समान हो तो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस वन फेस इज कॉमन, देन दिस कॉमन फेस इज अपोजिंग द मिसिंग नंबर। देखिए ये दो फिगर दी हुई है, लेकिन इसमें दोनों पाशा जो है वो एक ही है, बस इसमें केस दिया है। अब इसमें केस क्या है, एक सतह क्या हो, कॉमन हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 6 कॉमन है। जब भी कॉमन होता है तो पाशा के सवाल को सॉल्व करते समय हम कॉमन वाले नंबर पे ध्यान देते हैं। तो और इसे लिखेंगे कैसे, 6 1 3 क्लॉकवाइज, तो मैंने भी वैसे ही लिखा 6 1 3। दूसरे वाले में कॉमन क्या है, 6 4 5, क्लॉकवाइज लेना है। और हाँ, लिखते समय ध्यान रखना है कॉमन के नीचे कॉमन, 6 के नीचे 6 4 5। तो फिर यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, तो फिर 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट वो होगा जो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो दोनों पाशा में क्या नहीं दिख रही है, 2। सो 6 के अपोजिट होगी 2। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बहुत इजी है। रूल नंबर 2 बोलता है अगर किसी पासा को 2 बार फेंका जाए और एक सतह समान हो और वो समान सतह एक ही जगह पर हो तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड वन फेस इज कॉमन ऑल्सो द कॉमन फेस इज एट सेम प्लेस देन दी एडजेसेंट फेस आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे एक ही पासा को 2 बार फेंका गया, पहली बार फेंका गया जो हमें दिख रही है ऊपर फलक क्या दिख रही है, 3 1 6, और दूसरे में क्या दिख रहा है, 5 4 6। बट यहाँ पे है अपने पास 2 फेस के बेसिस पे बोल रखा है। ध्यान से देखिए क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है अपने पास सेम प्लेस। यहाँ पे सेम प्लेस की बात कर रहा है, प्लेस मतलब जैसे 6 साइड में है, ये भी साइड में, तो साइड साइड में 6 सेम है, तो दोनों पाशा की प्लेस जो एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट हो गया। मीन दैट मीन्स 5 ऊपर है 3 ऊपर है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 3 के अपोजिट 5, और 1 1 के अपोजिट होगा 4। तो ये आपका रूल नंबर 2 था। चलिए अब हम आते हैं रूल नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में आप रूल नंबर 3 के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट ध्यान रखना है आपको तीनों, ठीक है। अगर किसी पासा को 2 बार फेंका जाए और 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड देन फेस आर कॉमन देन रिमेनिंग फेस आर अपोजिट टू ईच अदर। देखिए एक पासा को फेंका गया तो पहले में क्या दिख रहा है आपको, 2 5 4, और दूसरे में दिख रही है 2 6 5। तो यहाँ बात हो रही है 2 कॉमन, तो यहाँ
कॉमन संख्या क्या है, 2 5 इसमें, और यहाँ पे भी आपके पास 2 5 कॉमन है, ठीक है, 2 5 कॉमन है, तो बच क्या गया, तो बचता है अपने पास जो संख्या बच गया, तो क्या बचता है, 6, तो 6 का अपोजिट होगा 4, तो आपका ये हो गया 6 का अपोजिट 4। तो ये थे अपने 3 रूल। अब रूल के बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में स्टैंडर्डाइज में आपको बेसिक बताया था, अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये सिंबल बेस्ड, फाइंड द अपोजिट ऑफ एट द रेट, एट द रेट के अपोजिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रूल ध्यान रखना है, 3 रूल बताए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, स्टार और हैश कॉमन है, इसमें भी स्टार और हैश कॉमन है, यानी कि दो फेस कॉमन जब होता है तो जो बची हुई रहती है वो उसके अपोजिट होती है। तो पूछा है एट द रेट, एट द रेट का अपोजिट होगा डॉलर, तो अपना ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 बोलता है फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। अब देखिए इसमें कौन सा रूल लग रहा है, दो पासा को हम ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देखने पे इसमें आपका रूल नंबर आप लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे एडजेसेंट साइड के हिसाब से अगर देखते हैं आप दोनों में क्या कॉमन है, बोलिए 3 3 क्या है, कॉमन है, दोनों में 3 3 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे आप रूल नंबर फर्स्ट लगा सकते हैं। फर्स्ट यानी कि 3 है, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो कॉमन दोनों में है 3 1 2, यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हो, 3 के नीचे 3 4 5, तो बच क्या गया, जो संख्या बच गया वो उसका अपोजिट होता है, रूल नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया है, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपके होंगे आंसर। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास 4 पासा दिया हुआ है, 6 में हमारे पास 4 पासा दिया हुआ है, और बोलता है 6 के अपोजिट क्या होगा। देखिए इस टाइप के जब भी 2 से अधिक पासा हो तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपने रूल फॉलो करना है, रूल फॉलो, 4 पासा में बस देखना है, कोई 2 पासा के लिए आपको रूल लेना है। तो देखिए आपको समझाने के लिए मैंने सॉल्यूशन के हिंट्स दे दिया है, जैसे मैंने कंपैरिजन किया फर्स्ट और सेकंड से, सॉरी फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड में हमने देखा, तो फर्स्ट और थर्ड में आप भी देखिए क्या दिख रहा है, देखिए 4 और 3 कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है, तो बस अपना आंसर आ गया। पूछा है 6 का, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 है, तो अपना क्या आ जाएगा, 1, चाहो तो आप ऐसे बना लो, या फिर अगर आपको लगता है तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं, थर्ड सॉरी सेकंड और फोर्थ से भी आप देख सकते हो, सेकंड और फोर्थ में अगर आप देखते हो तो इसमें क्या है, इसमें 5 2 5 2 है, तो बच्चा 6, 6 का अपोजिट क्या होगा, 1, तो ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी 2 से ज़्यादा हो तो आपको रूल के लिए फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अपोजिट ऑफ 4 डॉट्स। यहाँ पे 4 डॉट्स का मतलब है वो नंबर ही बट आपको डॉट में दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखते हैं, पूछा है 4 डॉट का अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने हैं, 5 और 2 डॉट है, इसमें भी कितने हैं, 5 और 2 डॉट है, फिर 5 और 2 5 और 2 कॉमन हो गए, तो 4 है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3, तो आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फाइंड क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अपोजिट ऑफ 3। अब यहाँ पे आपको सिंगल डाइस दिया हुआ है, जब भी सिंगल डाइस दिया हुआ हो तो आपको स्टैंडर्ड और जनरल का ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड है, नहीं स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि 4 और 3 तो 7 हो गया, अगर 7 होता है हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये जनरल डाइस जब भी हो, तो जनरल डाइस होता है तो हमें देखना होता है
हमने बताया था कि अपोजिट में क्या होंगी, वो सारी संख्या होंगी जो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे 3 है तो 3 के साथ 3, 5, 4 तो होगा नहीं। अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो यहाँ पे ए में क्या है, 5 है, तो ये भी नहीं होगा। अभी सी ऑप्शन में क्या है, 3 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में अपना अपोजिट में क्या होगा, 2, 1 और 6 यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे हैं। तो आपका आंसर होगा बी, 2, 1, 6 आपके क्या होंगे आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड अपोजिट ऑफ द ट्रायंगल। अब इन 4 पासे दिए गए हैं, सभी में आपको सिंबल्स का यूज किया गया है और पूछा है कि इस ट्रायंगल के प्लेस पे क्या होगा। तो ट्रायंगल का जब भी बोल रहा है तो सबसे पहले आप ट्रायंगल देखिए किसमें है। तो ट्रायंगल इस वाले पार्ट में है। अब इस वाले पार्ट में ट्रायंगल है तो हमें देखना है ट्रायंगल के और पास में क्या क्या है। तो यहाँ पे डिवाइड और प्लस है, यहाँ भी डिवाइड और प्लस है। तो हमें फिर से एडजेसेंट वाले ध्यान आ गई, यानी कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अपोजिट में क्या होगा, 0। तो आपका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच एलिमेंट विल बी प्लेस्ड ऑन क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन, ये पासा का मिसिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा ध्यान रख के आपको सॉल्व करना होगा, बस रूल फॉलो करिए। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा है, बोल रहा है इस प्लेस पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, इसके लिए आपको कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन जैसे मैंने पहले और दूसरे से किया, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, अगर आप दोनों में देखते हैं तो क्या कॉमन है, 4। तो 4 है तो हम क्लॉकवाइज में 4, 1, 2 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, 4, 3, 5। हमने आपको बताया था रूल फर्स्ट में जो संख्या बचता है वो कॉमन हो, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। तो हमने यहाँ पे लिखा 6, लेकिन अपने क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुई। अब आपको देखना होगा कि कैसे कंपैरिजन करें। तो आप दूसरे और तीसरे को देखो, दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। तो 5 कॉमन है तो कैसे लिख सकते हैं, 5, 4, 3 क्लॉकवाइज। तो मैंने भी वही लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5, 6 क्वेश्चन मार्क। तो हमने भी 5, 6 क्वेश्चन मार्क लिखा, लेकिन बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा। तो बस ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मार्क किसके अपोजिट में है, 3 के। और अगर इसमें कंपैरिजन देखें, 3 के अपोजिट क्या आता है, 1। तो बस सिंपल है, हम बता सकते हैं कि अपने पास में 3 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 3 का अपोजिट 1 है। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे 1। इस प्लेस पे क्या आएगा अपना, 1, क्योंकि 3 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क है, 3 के अपोजिट 1 है। तो क्वेश्चन मार्क मीन्स रिप्रेजेंट करता है 1 को। सो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपन डाइस बनाऊंगा, देन आफ्टर ओपन डाइस के बाद हम और मिक्स क्वेश्चंस पासे के करेंगे। ओके, थैंक यू।